बात करूँ हनुमान मूवी की, तो उसके लिए एक चीज़ कही जा रही है कि यह परफेक्ट एग्जाम्पल है लो बजट में कैसे बहुत बड़े वीएफएक्स दिखाए जाए हाई बजट मूवी जैसे। तो सबसे पहले कहूँगा यार, लो बजट में ये मूवी बढ़िया है ये मैं ज़रूर मानूंगा, लेकिन वीएफएक्स यार लिटरली पता चल रहा था एनिमेशन है, इंटेंशन डायरेक्टर का अच्छा है। मैंने इसका रिव्यू में कहा है कि मास्टरपीस मूवी है मेरे लिए। स्टोरी वाइज कुछ प्लॉट है, विलन के प्लॉट है या फिर वीएफएक्स के प्लॉट है, लेकिन जो डायरेक्टर का इंटेंशन था, जो इस यूनिवर्स में मुझे एक पोटेंशियल दिखा है आने वाले जो कल की अवतार के इन्होंने हिंट दिया था यूनिवर्स का, तो मैं इसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यार लो बजट में बहुत सारी मूवीज़ बनी है लिटरली बढ़िया, मतलब भेड़िया मूवी लोगे 60 करोड़ में, अचीवमेंट कहूँगा मैं उस मूवी का। भेड़िया का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अपने आप में एक अचीवमेंट है। मार्वल तक कहते हैं कि हम ट्रांसफॉर्मेशन सीन नहीं दिखाते क्योंकि उसमें जो सीजीआई वीएफएक्स है वो बहुत हैवी होता है, वो मुश्किल है करना। इधर इंडियन मूवी ने कर दिया 60 करोड़ में, और उसके फिर ऐसी मूवी को भी अप्रिशिएट करो, भेड़िया मूवी और भी कई सारी मूवीज़ तुम्हें देखने को मिलेगी। और ये हनुमान की बात करूँ तो मैं फिर से कहूँगा स्टोरी बहुत बढ़िया थी, जिस तरह स्टोरी सेटअप की है, एक जो उन्होंने कल्चर दिखाया मतलब सुपर हीरो धोती कुर्ता वो मुझे पसंद आया, फिर वो कुमकुम उसके शर्ट पर है, हल्दी है, तो जो कल्चर रूट से जुड़े वो चीज़ मुझे पसंद आई। जिस तरह वो हनुमान जी उसके ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद देते रहते हैं, जिस तरह जो एक संत आगे आके जो भी उनको सरप्राइज भी दिखाया है आगे जाके, जो वो संत होते हैं वो आगे जाके एक विभीषण निकलते हैं, तो वो जिस तरह हनुमान जी की तारीफ करते वो मुझे गुस्से बम्स दिया, सच में गुस्से बम्स लास्ट का सीन। लेकिन यार तुम कहोगे सीजीआई और वीएफएक्स, तो मैं कहूँगा यार 70 करोड़ के बजट से और इम्प्रूव किया जा सकता था, क्योंकि लिटरली मैं तुमको भेड़िया का एग्जांपल दिया और कई सारे मूवीज़ है। आईएलएन मूवी ले लो यार, लिटरली एलियन के ऊपर आई है, 50 करोड़ में वो मूवी बनी है, और उसका भी यार मैं कहूँगा सीजीआई वीएफएक्स देख लो, ऑल मूवी सीजीआई वीएफएक्स है, इसमें स्टोरी के ऊपर खेला गया है और लास्ट में एक सीजीआई का सीन है। लेकिन आईएलएन का वीएफएक्स सीजीआई देखोगे ऑल मूवी है, और लिटरली उन्होंने 5 साल दिए, उसके एक्टर ने फीस नहीं ली, और बहुत सारे मूवीज़ है। तो मैं यही कहूँगा कि उन मूवीज़ की भी तारीफ करो, और यहाँ पर सिर्फ ये एक ही सेंटिमेंट जुड़े है जिसके मैं कदर करता हूँ, जो वो अच्छा काम भी कर रहे हैं, 5 रुपये जाएंगे, मुझे प्राउड है ऐसे फिल्म मेकर पर। और जो मैं चाहता था हमेशा कि एक कल्चर हमारा ये सब चीज़ें दिखाने वाले डायरेक्टर आए, कल्चर समझे जो हमारे भारत का, जो हमारे ऑडियंस से कनेक्ट कर पाए, ऐसा कल्चर समझे, जो हमारे ऑडियंस को अपने कल्चर के बारे में जानकारी दे, ऐसे डायरेक्टर आए, तो वो डायरेक्टर दिख रहे हैं और अच्छे डायरेक्टर हैं। लेकिन ये कहूँगा कि ये जो बिहार चल रहा है कि कम बजट में, तो काफ़ी सारे कम बजट में बढ़िया मूवीज़ बनी है, उस हिसाब से मैं अपना ऑनेस्ट एग्जांपल दूंगा कि इनको इम्प्रूव करना पड़ेगा आगे के मूवीज़ के लिए, क्योंकि इन्होंने लिटरली ये यूनिवर्स कल के अवतार के इधर जाकर एंड होगा ये बता दिया है, तो उसके लिए बहुत हैवी वीएफएक्स सीजीआई लगेगा। मैं अभी सपोर्ट नहीं करूँगा, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए, क्योंकि मुझे सच में मूवी पसंद आई, मैं सच में चाहता हूँ ये यूनिवर्स आगे बढ़े, तो इसके लिए मैं ये कहूँगा सीजीआई इम्प्रूव करो और कर लो। बाकी मूवी की बात करूँ, कोई भी मूवी मिस मत करो, एक एक्सपीरियंस देती है मूवी, जाकर देख लो, मैं गारंटी लूँगा पैसा वसूल मूवी है, तुमको मूवी पसंद आएगी, मूवी की कॉमेडी पसंद आएगी। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, सच में यार वीएफएक्स लो बजट में अच्छे है